वर अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां हाँ पे इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट वेन इंडिया वन द सिल्वर मेडल. सो ऑब्वियसली देर मस्ट बी डिसअपॉइंटमेंट कि गोल्ड नहीं मिला. और ये चीज है ना, मुझे भी बहुत खा रही है, पता है कि जब जब फाइनल्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ही सामने क्यों? बिकॉज पिछले 2 साल में, 2-3 साल में, आई गेस 2-3 बार आ चुके ऑस्ट्रेलिया के सामने, बीट द T20 वर्ल्ड कप और द कॉमनवेल्थ गेम्स राइट नाउ. बट ऑस्ट्रेलिया के सामने आके ठीक है चलो छोड़ो, बट ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो रहा ही होगा कि गोल्ड नहीं मिला. बट वॉट वर द लर्निंग्स फ्रॉम द टूर्नामेंट? लर्निंग्स अगेन वही है कि जब मौका मिलता है उसका पूरा यूज करना ही है, क्योंकि बाद में फिर वो मौका नहीं मिलेगा. तो मेरे लिए तो वही लर्निंग था कि आई हैव टू मेक फुल यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आई गेट. एंड सेकेंड थिंग इज प्रिपरेशन. जो प्रिपरेशन हार्डवर्क है, इट हैज टू बी 100%, और वो थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना आपका परफॉर्मेंस में इफेक्ट होगा. तो वो चीज मुझे काफी सीखने मिली वो टूर्नामेंट से. और जैसे जो प्रेशर सिचुएशन था फाइनल के टाइम पे, तो उसमें हमारे जो डिसीजंस थे, शायद वो डिसीजंस हम अगर सही लेते तो हमारे फेवर में वो रिजल्ट होता. तो वही है कि जब प्रेशर सिचुएशन होता है तो काम रह के सही डिसीजंस लेने हैं. राइट. तो जब टालिया मैकग्रैथ का कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुई थी वो, एंड शी स्टिल प्लेड द गेम, तब वॉज देयर एनी स्पेसिफिक डिस्कशन इन द टीम? लाइक किसी ने भी ये चीज नेगेटिव वे में लिया था? बिकॉज हरमनप्रीत ने मेंशन किया था कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इट वॉज वेरी लास्ट मोमेंट, इसलिए फिर हम भी अग्री कर गए थे कि भाई ठीक है हम खेलेंगे. बट वॉज देयर एनी थिंग नेगेटिव अबाउट इट कि यू गाइज वर वेरी ओके विद इट? नहीं, मैंने मतलब इट वॉज ओके फॉर एवरीबडी. ओके, क्योंकि वैसे भी इट वॉज इन द रूल्स. जो कॉमनवेल्थ का रूल्स था उसमें हाँ. ऐसा ही था कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी खेल सकता है. ओके, तो वो हमको पहले से ही पता था, लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा फाइनल में वो भी, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ओके, तो बिकॉज ऑब्वियसली अगर टालिया नहीं होती उस फाइनल में बाय चांस, तो फिर देयर मस्ट हैव बीन चांसेस. बट उसका ऐसा भी नहीं था कि शी प्लेड अ मेजर रोल इन दैट गेम. हमने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा. हम लोग, हैरी दी ने भी हमको बोल ही दिया था कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम और पार्ट ऑफ द रूल्स. राइट, नथिंग टू थिंक अबाउट. राइट, दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क नेक्स्ट, के वाज दैट थिंग हिंडरिंग यू गाइस कि यार शी इज कोविड पॉजिटिव एंड फाइनल के टाइम में प्रेशर में और प्रेशर कुछ एड वेड हुआ हो? नहीं, कुछ भी नहीं था.